AIMIM सुप्रीमो अस्तुद्दीन ओवैसी अपनी बेबाक अंदाज के लिए पहचान रखते हैं। वहीं उनके छोटे भाई और पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। लेकिन जिस तरह अस्तुद्दीन ओवैसी कड़क, सधे और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। अस्तुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों में काफी फर्क देखने को मिलता है। अस्तुद्दीन ओवैसी एक ओर जहां अपनी सधी राजनीति और सधे बयान के लिए जाने जाते हैं, जो भी कहते हैं टू द पॉइंट, बेखौफ, देखा जाए तो यही उनकी राजनीतिक सूझबूझ को भी दर्शाता है। तभी तो कभी हैदराबाद की राजनीति करने वाली AIMIM महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पार्टी विस्तार करने में सफल रही है। अब AIMIM उत्तर प्रदेश में खाता खोलने की कोशिशों में जुटी है। सीधे शब्दों में समझें तो अस्तुद्दीन ओवैसी ने बीते कुछ सालों में हैदराबाद के बाहर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ हद तक उन्हें सफलता भी हासिल हुई है। उनकी पार्टी ने बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे और 5 स्थानों पर जीत दर्ज की। हालांकि पश्चिम बंगाल में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के चुनाव में 38 उम्मीदवारों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने उतारा, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी। पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में उनके 44 उम्मीदवार जीते, जो कि एक बहुत बेजोड़ जीत के रूप में सामने आई। ओवैसी अब उत्तर भारत की तरफ भी अपनी पार्टी के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर जहां अस्तुद्दीन ओवैसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में जुटे हैं, वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की राजनीति देखें तो यह जान पड़ता है कि उनके बयान अक्सर अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डालने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि हैदराबाद पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। एक चुनावी भाषण के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक स्थान पर एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिससे कि बवाल मच गया। अपने भाषण में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल उठाया कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की समाधियां हटाई जाएंगी। ओवैसी ने झील के करीब रह रहे गरीब लोगों को हटाने के अभियान पर सवाल उठाते हुए जो बयान दिया था, उसे बेहद भड़काऊ माना गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हुसैन सागर पर नेकलेस रोड आ गया है, नरसिम्हा राव और एनटी रामाराव की समाधि और लुम्बिनी पार्क झील पर बनाई गई है। मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि वो समाधि को ध्वस्त करे, क्या आपके पास ऐसा करने की हिम्मत है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सरकार है जिसने टैंक बुन पर अतिक्रमण किया और झील के किनारे GHMC कार्यालय बनाया। इसी तरह बात अगर CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून की हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन के बीच भी अकबरुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा ही विवादित बयान सामने आया था। ओवैसी ने कहा कि 700 साल से ज्यादा समय तक मुसलमानों ने देश पर राज किया, नागरिकता के लिए और क्या सबूत चाहिए? भाषण में ओवैसी ने कहा, हमको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है जो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के पास क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि तू मेरे कागज देखता है, मैंने इस मुल्क पर 700 साल तक राज किया, या मेरा मुल्क था, मेरा है और मेरा रहेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वो भी मेरे पूर्वजों ने दिया। अगर कोई कागज मांग रहा है तो देख ले वो चार मीनार जो खड़ा है, यह सबूत है जो मेरे बाप दादा ने बनाया है। ओवैसी ने यह भाषण तेलंगाना के विकाराबाद में दिया था। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी के इस तरह के बयान सामने आए हैं, पहले भी कई बार उनके विवादित बयान सामने आ चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले
15 मिनट के लिए पुलिस हटाने और उसके अंजामों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुसलमान 25 करोड़ हैं और हिंदू 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। इस तरह के जो बयान आते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उससे पार्टी को कई बार बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और पार्टी की साख पर भी सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।